वेलकम, मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बस। और अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक के काउंटडाउन की शुरुआत श्रमिताभ के प्रीमियर से। श्रमिताभ की रिलीज से पहले मुंबई में रखी गई फिल्म की एक वेरी स्पेशल स्क्रीनिंग। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक और ऐश्वर्या के अलावा धनुष की प्रेजेंस वाली ये स्क्रीनिंग एक तरह से किसी ग्रैंड प्रीमियर से कम नहीं थी। उस पर ये मौका इसीलिए भी थोड़ा और खास हो गया क्योंकि इस दिन था अभिषेक बच्चन का बर्थडे। इस स्क्रीनिंग पर हमने कैप्चर किया बच्चन परिवार को। उनके अलावा यहाँ धनुष, इरफान खान और हुमा कुरैशी नजर आए। हुमा ने तो मीडिया से दूरी बनाकर रखी, वहीं इरफान खान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या और धनुष ने श्रमिताभ को लेकर मिले इंडस्ट्री से रिस्पांस पर बात की। जी, आज हम श्रमिताभ की स्क्रीनिंग के लिए हैं यहाँ और बस यही चाहूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस फिल्म को जाके थिएटर में देखें। एंड आई होप दे एंजॉय द फिल्म। वी ऑल वर्क वेरी हार्ड। आई हैव सीन इट बिफोर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। And tomorrow you all will see it, you all decide. I hope you like it. Very fresh idea, very interesting, good performances. We are really proud of this film and you all will see it and you will precisely why. It's just the quality. It's very overwhelming. I'm very happy. I couldn't have asked for the response. इस वीक की सबसे हॉट एंड स्पाइसी न्यूज के काउंटडाउन में नंबर 9 पर हैं इमरान हाशमी, जो अपेरेंटली बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद भट्ट कैंप की शरण में चले गए हैं। जी हाँ, घनचक्कर फ्लॉप, राजा नटवरलाल फ्लॉप, उंगली फ्लॉप, इमरान हाशमी के करियर को मानो किसी की नजर लग गई है। कभी बॉक्स ऑफिस के किंग माने जाने वाले इमरान हाशमी की आज हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट रही है। ऐसे में अब अपने करियर को लेकर किए गए कुछ डिसीजंस को इमरान हाशमी को रिव्यू करना पड़ रहा है। जी हाँ, खबर आ रही है कि बॉक्स ऑफिस पर फिर से सक्सेस पाने के लिए इमरान महेश भट्ट की शरण में पहुंच गए हैं। दरअसल इमरान की बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हुई ज्यादातर फिल्म्स भट्ट की ही हैं। महेश भट्ट खुद भी कई बार बोल चुके हैं कि इमरान हाशमी भले ही कहीं भी चले जाएं, लेकिन हिट फिल्म पाने के लिए उन्हें भट्ट के पास ही आना होगा। और अब ऐसा सच होता भी दिख रहा है। इमरान हाशमी अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इमरान हाशमी के पास कुछ अच्छी फिल्म्स तो हैं, लेकिन उनकी लास्ट रिलीज हुई फिल्म्स के खराब कलेक्शन की वजह से प्रोड्यूसर उन पर पैसा लगाने से पहले दो बार सोच रहे हैं। ऐसे में इमरान हाशमी अपने करियर को रिवाइव करने के लिए महेश भट्ट की शरण में पहुंच गए हैं। वी जस्ट होप भट्ट इमरान के करियर को वो जरूरी बूस्ट दे पाएं जिसकी उम्मीद लगाकर इमरान उनके पास पहुंचे हैं। भट्ट को एक अवार्ड नाइट में स्टेज पर जाते ही रोना क्या आया। उनका रोना उन्हें ले आया इस वीक के काउंटडाउन में नंबर 8 की पोजीशन पर। ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट पर हर स्टार इसी उम्मीद के साथ पहुंचा था कि उन्हें मिलेगी उनकी फेवरेट ब्लैक लेडी। वेल, तो यहाँ ब्लैक लेडी को पाने के कुछ स्टार्स के सपने हुए पूरे तो कुछ के सपने रह गए अधूरे। एक्ट्रेस आलिया भट्ट उन कुछ खुशनसीब एक्ट्रेसेस में से एक रही जिन्हें इस साल भी एक अवार्ड मिला। जी हाँ, आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक अवार्ड से नवाजा गया और इस अवार्ड को लेने स्टेज पर पहुंची आलिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। पार्टी के अंदर मौजूद लोगों की माने तो स्टेज पर आलिया इस अवार्ड को पाकर इतनी इमोशनल हो गई कि वो वहीं रोने लगी। आलिया ने अपने विनिंग स्पीच में स्टेज पर मौजूद करण जौहर को भी थैंक्स कहा और करण भी आलिया के सक्सेस को देखकर इमोशनल हो गए। आलिया ने इस इंसिडेंट के बारे में मीडिया को भी बताया। हाँ, आई एम वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। मैं आई डोंट थिंक आई कैन ज्यादातर हाइड माय इमोशंस बियॉन्ड अ पॉइंट। तो वो हो गया, होने दिया, मैं कंट्रोल किया क्योंकि मेकअप खराब हो जाता है अदरवाइज। एनी अवार्ड आई थिंक मायने रखते हैं मेरे लिए। ऑल्सो मेनली फिल्म फेयर इज समथिंग कि आप सोचते हो कि मुझे एक दिन फिल्म फेयर मिलेगा, ब्लैक लेडी, आई टेक होम। तो क्रिटिक्स में हो या पॉपुलर, इट्स अ अवार्ड एंड इट्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। सो फॉर मी दैट इज नॉट अबाउट बींग बेस्ट, बट इट्स अबाउट जस्ट
being there and being on that stage giving that speech. Well, Alia ko Bollywood mein aaye kuch hi samay hua hai, lekin wo jis tarah success ki seedhiyan chal rahi hain, usse lagta to yahi hai ki wo bahut jald Bollywood ki number one actress ban sakti hain. डाउन में नंबर 7 की पोजीशन पर जगह बनाई है कंगना रनौत ने, जिन्होंने रिसेंटली दीपिका की तरफ से अपना अवार्ड उन्हें डेडिकेट करना कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाया है. बता दें कि एक रिसेंट अवार्ड नाइट में दीपिका ने अपना अवार्ड कंगना को डेडिकेट कर दिया था, पर कंगना रनौत ने ठुकराई दीपिका की पेशकश. मैं अपना नहीं लेती तो उनका क्या लूंगी. वैसे इससे पहले कि कंगना का कमेंट आपको किसी नई कैट फाइट की शुरुआत लगे, बता दें कि यहां कंगना काफी अच्छे मूड में थी, जिसका सबूत मिला उनकी इस बात से जिसे सुनकर शायद अनुष्का को कंगना से इनसिक्योरिटी हो जाए. आई लाइक अनुष्का'स बॉयफ्रेंड. मतलब विराट कोहली. यू मीन विराट कोहली? जी. Like वैसे कंगना रनौत पहुंची थी डर्बी इवेंट पर और यहां मीडिया से बात करते हुए शेयर किया उनका एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग प्रेजेंट एट दिस इवेंट. करीना कपूर की किटी से स्लिप हो रही एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील उन्हें ले आई है इस वीक के काउंटडाउन में नंबर 6 की पोजीशन पर. जी हां, सिंघम रिटर्न्स के बाद से करीना कपूर को सिल्वर स्क्रीन पर अपने रिटर्न का इंतजार है और पिछले दिनों बजरंगी भाईजान के सेट से निकलकर आई सेल्फीज एक्सप्लेन कर चुकी हैं कि करीना कपूर खान इज टेकिंग हर ओन टाइम टू बी बैक ऑन द सिल्वर स्क्रीन. लेकिन लगता है सोशल इवेंट से करीना की एब्सेंस ने दिखा दिया है अपना खेल. एज अ रिजल्ट सुनने में आया है कि करीना के हाथ से फिसल रहा है एक ब्रांड और सोर्सेस की माने तो करीना की ब्रांड वैल्यू एड वर्ल्ड में ड्रास्टिकली कम होती जा रही है. न्यू ब्रांड्स करीना को अप्रोच नहीं कर रहे, उल्टा हो ऐसा रहा है कि जिन ब्रांड्स के साथ करीना लॉयल्टी निभाती आई वो भी उनके हाथ से छिटकने लग गए हैं. और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एक टी ब्रांड की ब्रांड एंडोर्समेंट डील बन गई है इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल. अपेरेंटली वो टी कंपनी अब करीना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रही है. दूसरी तरफ इशारा मिल रहा है कि उस ब्रांड की तरफ से करीना कपूर की जगह अब फैशनिस्ता सोनम कपूर को अप्रोच किया जा रहा है टू रिप्लेस करीना एज अ ब्रांड एम्बेसडर. वैसे सोनम ही नहीं, ब्रांड वर्ल्ड में करीना के लिए हमारे जेन एक्स सुपरस्टार्स लाइक आलिया, श्रद्धा एक्सेट्रा भी कोई कम थ्रेट लेकर नहीं आए. ऑल द यंगर टैलेंट की ब्रांड वर्ल्ड में एंट्री हैजंट मेड थिंग्स इजियर फॉर बेबो. वैसे वी होप बजरंगी भाईजान शायद करीना की ब्रांड वैल्यू को वापस पहले जैसे लेवल पर ले आए. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें. इस हफ्ते काउंटडाउन पर नंबर 5 की हाईलाइट बनी जैकलिन फर्नांडिस. किक के बाद से जैकलिन फर्नांडिस को हो रहे ढेर सारे ऑफर्स का अपडेट तो अक्सर आता रहता है. अब आया है ऐसे ही एक ऑफर के चलते जैकलिन के कंफ्यूजन का किस्सा. सोर्सेस की माने तो हेरा फेरी 3 के लिए फिल्म मेकर्स की लीड एक्ट्रेस की सर्च जैकलिन पर जाकर अटक गई है. प्रोड्यूसर्स जैकी को बार बार अप्रोच कर रहे हैं और बेहद सिलेक्टेड एंड स्ट्रॉन्ग रोल्स करने का डिसीजन लेने वाली जैकलिन अब हो गई है कंफ्यूज कि वो ये फिल्म करें या ना करें. ऐसे में अब थोड़े और इंतजार के बाद पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि जैकलिन अपने करियर में सिर्फ स्ट्रॉन्ग रोल्स करने वाली हैं या फिर उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा फिल्म्स करने का है. काउंटडाउन पर नंबर 4 पर इस हफ्ते बज क्रिएट किया अनुष्का शर्मा ने बाय गिविंग क्वाइट एन इंटरेस्टिंग रिएक्शन व्हेन क्वेश्चन्ड अबाउट विराट. Anushka, finally, you know, we have the World Cup happening this month. So, would you be going for any of the matches and would you want to wish Team India? I see a wink. Okay. Do I want to wish Team India? I'll wish them. मीडिया की मदद से नहीं बल्कि खुद से अनुष्का शर्मा टीम इंडिया को करेंगी विश. Do I want to wish Team India? I'll wish them. I have other means of wishing them. Even I wish. अनुष्का का टीम इंडिया से ये डायरेक्ट कनेक्शन तो अब आपको जरूर समझ आ गया होगा. बात हो रही है अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के लिंकअप की, जिससे जुड़े रूमर्स को मीडिया के सामने एक नया प्लग दे बैठी हैं खुद अनुष्का शर्मा. अनुष्का, फाइनली यू नो वी हैव द वर्ल्ड कप हैपनिंग दिस मंथ, सो वुड यू बी गोइंग फॉर एनी ऑफ द मैचेस एंड वुड यू वांट टू विश टीम इंडिया? आई सी अ विंक.
Do I want to wish Team India? I'll wish them. I have other means of wishing them. Even I wish Team India. Okay, would you be going for any of the matches, Anushka? No, because we'll be promoting the film. So I'll be here. If I go, you'll see me there. Somebody special? Phone number I'll give you. शायद डायरेक्ट विराट को कॉल करने का इरादा है अनुष्का का, और अब जब उन्होंने खुद ही अपना ये इरादा मीडिया के साथ शेयर किया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। वेल, अब अनुष्का का इरादा नेक था या नहीं ये तो पता नहीं, पर हाँ, मौका अनुष्का की होम प्रोडक्शन फिल्म NH10 के ट्रेलर लॉन्च का था, तो विराट को लेकर अनुष्का की तरफ से किया गया ये इशारा इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट जरूर बन गया है। काउंटडाउन पर नंबर 3 पर छाए रहे AIB और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी। पहले तो खबर आई थी कि सलमान खान AIB से थोड़े नाराज हैं फॉर मेकिंग फन ऑफ अर्पिता खान ड्यूरिंग द शो। जी हाँ, रिसेंटली AIB के ऑर्गेनाइज्ड एक शो में सलमान खान की सिस्टर अर्पिता को लेकर AIB की टीम ने एक मजाक बनाया। शायद AIB की टीम को लगा सलमान खान को इस मजाक के बारे में पता नहीं चलेगा, या फिर वो अपनी फैमिली को लेकर किए गए मजाक को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन AIB टीम की सोच से ठीक उलट रिपोर्टेडली सलमान खान को आ गया है गुस्सा, और उन्होंने AIB की टीम को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि सलमान खान ने खुद AIB की टीम को फोन करके अच्छी तरह से क्लास लगाई है। सलमान खान ने AIB की टीम को साफ कहा है अगर वो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो उनके फैमिली को लेकर किए गए मजाक को तुरंत YouTube पर बाकी जगहों से हटाया जाए। वैसे ये कॉन्ट्रोवर्सी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, जहाँ सलमान खान ने AIB के अगेंस्ट कहा वही इंडस्ट्री के कई यंग एक्टर्स केम आउट इन सपोर्ट ऑफ द शो। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर करण जौहर, आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा AIB को सपोर्ट करते दिखे। इन स्टार्स ने अपने अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए लिखा है, आलिया ट्वीट्स, सम नॉट टेकिंग लाइफ सो सीरियसली लेसन्स आर नीडेड डेस्परेटली। वहीं करण जौहर ने ट्वीट करके कहा, नॉट योर कप ऑफ टी, डोंट ड्रिंक इट। सोनाक्षी सिन्हा ने अग्रेसिवली रिएक्ट करते हुए कहा, सो नाइस टू सी ट्विटर इज फिल्ड विद सच एंजल्स हु पॉइंट आउट हिपोक्रेसी एंड नेवर यूज फाउल लैंग्वेज एंड हैव नेवर लाफ्ड एट डर्टी जोक्स। सोशल नेटवर्किंग साइट पर करण जौहर, आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा AIB के सपोर्ट में जरूर उतर आए हैं। वैसे इनमें से कुछ सेलेब्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर बात ना करना ही सही समझा। रिसेंटली वरुण धवन से पूछा गया AIB का शो होस्ट करने के ऊपर सवाल, तो वो स्मार्टली बात को गए टाल। इन फ्यूचर में AIB का शो होस्ट करना चाहेंगे आप, अगर आपको मौका मिलता है, या फिर पैनल में बैठना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल मैंने बदलापुर किया है, और जैसे मैंने कहा कि हमारी फिल्म सेंसर होने जा रही है, तो मैं कुछ और कंट्रोवर्शियल नहीं कहना चाहता हूँ। किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए वरुण रहे चुप, और सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा ही हाल था सोनम कपूर का। जस्ट बिकॉज़ यू सेड राइट नाउ कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, सो ऑनेस्टली आस्किंग यू विद द ऑफलेट AIB कंट्रोवर्सी, दैट्स प्लीज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। वैसे हम आपको बता दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर करण जौहर, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह पब्लिकली माफी नहीं मांगते तो वो इन स्टार्स की पिक्चर मुंबई में रिलीज नहीं होने देंगे। पर AIB के वीडियो को लेकर शुरू हुई कॉन्ट्रोवर्सी के बाद बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज दो भागों में बंट गए हैं। मूविंग ऑन काउंटडाउन पर नंबर 2 पर इस हफ्ते जगह बनाई सोनम कपूर और उनके बड़ बोलेपन ने। सोनम कपूर से एक रीसेंट इवेंट में पूछा गया एक सीधा सवाल, लेकिन एक सीधे साधे सवाल पर सोनम की तरफ से आया है ऐसा जवाब जो खड़ा कर सकता है बवाल। बता दें कि सोनम से यहाँ पूछा गया था कि वो इंडस्ट्री में किस अनमैरिड कपल को मानती हैं बॉलीवुड का द मोस्ट स्टाइलिश कपल, तो थोड़ा डरते डरते ही सही सोनम की जुबान पर रणबीर कटरीना का नाम आया है, और सोनम की नज़र में बॉलीवुड का मोस्ट स्टाइलिश कपल बनने की रेस में पीछे छूट गए हैं दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह। वेल, अब क्या सोनम ने जानबूझकर दीपिका का जिक्र अवॉइड किया, या जानबूझकर रणबीर कटरीना को मोस्ट स्टाइलिश अनमैरिड कपल डिक्लेयर कर दिया, ये हम पता लगाकर जरूर बताएंगे।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज। वेलकम बैक, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज। लेट्स फाइंड आउट। रिसेंटली फिल्म फेयर की अवार्ड नाइट में दीपिका ने अवॉइड कर दिया कटरीना पर कुछ भी रिएक्ट करना। डूइंग दीस थिंग्स प्लीज, द लास्ट टाइम आई डिड दिस आई वाज मिसकोटेड एंड लॉट ऑफ ट्रबल्स, आई एम गोना डू दिस। बता दें कि इन दोनों कटआउट्स में से एक कटआउट कटरीना कैफ का था और दीपिका ने जैसे ही कटरीना का कटआउट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन की फरियाद कर डाली। वैसे अगर आपको याद हो तो उस वक्त ये खबर आई थी कि दीपिका ने रणबीर और कटरीना के मैरिज रूमर्स पर चुटकी ली थी, पर जब उस अवार्ड नाइट की झलक सामने आई तो मामला उल्टा था। खैर, दीपिका ने लगता है लास्ट इंसिडेंट से काफी बड़ा सबक लिया है, इसीलिए उन्होंने कटरीना का कटआउट ही अवॉइड कर दिया जिससे कटरीना को लेकर कोई क्वेश्चन ही सामने न आए। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.